हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लेटेस्ट वीडियो। आज हम एक ऐसे वीडियो को देखने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप जान जाओगे कि एक टीचर जब विद्यालय से जाता है तो उसका आखिरी दिन कैसा होता है, और बच्चे अपने टीचर से बिछड़ते हैं तो बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और उस दिन कैसा लगता है, और बच्चों के साथ क्या होता है, टीचर के साथ क्या होता है, वो आज आप इस वीडियो में आखिरी तक जान जाएंगे। तो आज का पाठ है द लास्ट लेसन, जो कि कक्षा 12 की इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसके जो ऑथर हैं वो है अल्फोंस डाउडेट। कहानी कुछ ऐसी है कि सन 1870 में बिस्मार्क के अंडर में रूसिया सैनिकों के द्वारा फ्रांस पर कब्जा कर लिया गया, और वहां पर जो नए शासक हुए उन्होंने फ्रांस में जो फ्रांस की लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाती थी वो मना कर दिया, और सभी मास्टरों से कह दिया कि आप लोग फ्रांस छोड़कर जाएं। तो पाठ शुरू होता है कि उस समय मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। कभी कह रहे हैं विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल उनके टीचर थे, कह चुके थे कि वे हमसे पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछेंगे, तथा मुझे इनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। दिन बहुत गर्म एवं चमकीला था, जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे, और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में रूसिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। ऐसा पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज्यादा मन को मोहने वाला था, किंतु मुझमें विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 वर्ष से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे। हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार, सेना अधिकार के आदेशों से संबंधित समाचार, और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन में सोचा अब क्या बात हो सकती है, क्या हो गया है। फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी से के साथ चला, वॉक्टर नामक लोहार जो वहां अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पढ़ रहा था ने पीछे से पुकार कर मुझसे कहा, इतनी जल्दी मत कर लड़के, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। मुझे लगा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था, और मैं बुरी तरह हांफता हुआ एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था अफरा तफरी या शोरगोल होता था जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर संवेद स्वर में पाठों का जोर जोर से दोहराना और अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना, परंतु अब सब कुछ इतना शांत था। मुझे भरोसा था कि हो हल्ला के बीच में बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा, परंतु उस दिन हर चीज को सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत होना था। रविवार को छुट्टी होती है, उसी प्रकार वहां विद्यालय को शांति होती है। तो खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, वे पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे, मतलब अपनी सीट पर बैठ चुके थे, और एम हेमल अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए इधर से उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था कि सभी लोग पहुंच गए और मैं बाद में जा रहा हूं। परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता पूर्वक कहा, नन्हे फ्रें, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। तब तक मैंने यह नहीं देखा हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट, अपनी झलकदार शर्ट और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी जिस पर कासीदाकारी की गई थी, और जिन्हें भी निरीक्षक तथा पुरस्कार वितरण की
समय में के अलावा कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र तथा गंभीर लग रहा था, किंतु जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक चकित किया वह यह थी कि सदा खाली रहने वाली पीछे की बेंचों पर गांव के लोग हमारी तरह ही चुपचाप बैठे थे। अपना तिकोना टोप पहने बूढ़ा भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनके अलावा अन्य कई लोग बैठे थे। सभी दुखी दिखाई दे रहे थे और बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बाल पोथी लाया था जिसके किनारे अंगूठों से पेज उलटने के कारण काले हो रखे थे और उसने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था और उसका बड़ा चश्मा प्रश्नों पर पड़ा था। जबकि मैं इस सब पर विचार कर ही रहा था, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था बोले, मेरे बच्चों यह अंतिम पाठ है, यह लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा। अल्सास और लॉरेन की स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। नए अध्यापक कल आ जाएंगे। यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ आप बहुत ही एकाग्रता बनाए रखें। ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। हाय अभागे लोग, समाचार पर उन्होंने यही लगा दिया था, फ्रेंच भाषा का मेरा अंतिम पाठ। अरे मैं मुश्किल से ही तो पढ़ना लिखना जान पाया था, अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा। वहीं और उसी समय मुझे रुक जाना होगा। हाय मैं अपने पाठ याद न करके पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना दुखी हो रहा था। मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले ले आने में भारी और बड़ी समस्या लग रही थी, मेरी व्याकरण और संतों का इतिहास अब पुराने मित्र जैसे लग रहे थे जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। और एम हेमल के बारे में भी इस विचार ने कि वे जा रहे थे कि मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगा, मुझे उनके दंड के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे इस बारे में सब कुछ भुला दिया मैंने। बेचारा आदमी, यहाँ बेचारे गुरुजी। इसी अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवारीय सुंदर कपड़े पहने थे। अब मैं समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे थे, इसलिए कि उन्हें भी दुख था कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। हमारे अध्यापक की लाल 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने और जो देश अब उनका नहीं था उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का यह उनका अपना तरीका था। जब मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था तब मैंने अपने आप को पुकारा जाते हुए सुना कि मुझे कोई पुकार रहा। अब बोलने की मेरी बारी थी, क्योंकि जब फेयरवेल पार्टी होती है तो सभी को कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, तो किस बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। अर्थात पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के पढ़ने को बहुत इच्छुक था, किंतु मैं पहले शब्दों पर ही उलझ गया और मीच पकड़कर खड़ा रह गया। मेरा दिल धड़क रहा था और मुझमें ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं नन्हे फ्रेंच, तुम्हें अवश्य काफी बुरा महसूस हो रहा होगा। देखो ऐसा है, प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा है, अरे मेरे पास काफी समय है, मैं इसे कल देख लूंगा, कल सीख लूंगा, और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ गए हैं। हाय अलसास के साथ यही बड़ी परेशानी है, यह सीखने को कल के लिए टाल देती है। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा, ऐसा कैसे है? तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा सीख सकते हो ना ही बोल सकते हो, किंतु नन्हे फ्रेंच तुम्हें सबसे बुरे नहीं हो, मतलब तुम सबसे बुरे नहीं हो। हम सबके पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे, वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना पसंद करते थे, जबकि थोड़ा सा अधिक धन मिल सके और मैं
मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए भेजा है? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की? फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एमएमएल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे। यह कहते हुए कि संसार की सबसे सुंदर भाषा है फ्रांस, सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तर्कसंगत, और यह कि इसे हमें अपने बीच सुरक्षित रखना है और उसे कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं तो ऐसा ही है, मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और हमारा पाठ हमें पढ़कर सुना दिया। मैं यह देखकर चकित था कि मुझे यह कितनी अच्छी तरह समझ आ रहा था। उन्होंने जो कुछ कहा वह बहुत बहुत सरल लगा। मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था और उन्होंने हर चीज को धैर्य पूर्वक कभी इतना अधिक स्पष्ट नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले वह जो कुछ जानता था उन सबको हमें दे देना चाहता था। इन सारी जानकारी को एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ शुरू हुआ। उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए कई कापियां थीं, जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था, फ्रांस अलसास, फ्रांस अलसास। वे ऐसी लग रही थी जैसे कि विद्यालय की उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए हों। काश आप देख सकते कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए और सब कुछ कितना शांत था। एक मात्र ध्वनि कागज पर पेनों की रगड़ की आ रही। एक बार कुछ भौंरा उड़कर अंदर आ गया, परंतु किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, जो पूरी समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा। छत पर कबूतर धीरे गुटर ऊपर रहे थे और मैंने मन में सोचा क्या वे इन्हें भी जन्म भाषा को जानने के लिए मजबूर करेंगे, कबूतरों को भी। जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एम हेमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा। वे कभी किसी चीज को तो कभी किसी और चीज को घूम रहे थे, मानो वे अपने मस्तिष्क में उस छोटे स्कूल कक्ष की प्रत्येक वस्तु को ठीक उसी तरह अंकित कर लेना चाहते थे जैसा कि वे दिख रही थी। जरा सोचो, 40 वर्ष से वे इसी स्थान पर थे। उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था, उनकी कक्षा के सामने बिल्कुल ऐसे ही केवल मेज और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत बहुत लंबे हो गए थे, तथा वह होप वाइन जिसे जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था वह खिड़की से लिपटते हुए छत पर पहुंच गई थी। इन सब को छोड़ने से और ऊपर छत पर सामान को अपने संदूकों में पैकिंग करते हुए अपनी वाहन वहन के चलने की आवाज सुनकर इस बेचारे अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा होगा, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़कर जाना था। किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। लेखन के पश्चात हमारे साहस का पाठ शुरू हुआ और फिर छोटे बच्चों ने जोर जोर से अपनी वा बे वी रो वो बोले। कमरे के पिछले छोर पर पूरे हाउस ने अपना चश्मा पहन लिया था। अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़कर वह उनके साथ वा बे वी आदि बोल रहा था। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था, भावुकता बस उनकी आवाज कांप रही थी और उससे सुनना इतना हास्यास्पद था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। ओह, यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। अचानक चर्च की घड़ी से 12 बजाए और फिर एंजुलस नामक प्रार्थना घंटी बजी। उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए प्रिसिया के सैनिकों की तुरहियां हमारी खिड़कियों के नीचे बजती सुनाई दी। एम हेमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए बहुत पीले पड़े हुए थे। मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वास नहीं देखा था। मित्रों, उन्होंने कहा, मैंने किसी बात ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया। वे अपनी बात जारी न रख सके। फिर वे बोर्ड की ओर मुड़े, चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितनी बड़े अक्षरों में भी लिख सकते थे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद।
फिर भी रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया, स्कूल की छुट्टी हो गई, आप जा सकते हैं। तो यह मार्मिक और सुंदर भावनात्मक पाठ आपको देखने में और सुनने में कैसा लगा, प्लीज़ सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए पार्ट में। धन्यवाद।